बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग का पिछले दिनों बड़ा जिक्र हुआ और खबर हम आपको बता दें कि अगले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के नए विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी सामने आ जाएगी। खबर बड़ी है और आपको इस वक्त कुरिस्तान न्यूज पर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देगा। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के अंदर था और परिसीमन आयोग की तरफ से सभी की शिकायतें सुनी गई थी, आम जनता की शिकायतें भी सुनी गई थी, जिसके बाद अब फाइनल रिपोर्ट की कहा जाता है कि जल्द से जल्द पेश कर दी जाएगी। हालांकि आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर रही हैं और परिसीमन आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देने जा रहा है। आपको खबर इस वक्त की बड़ी और ताजी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा भी ये भी जा रहा है कि परिसीमन का जब काम पूरी तरीके से पूरा हो गया है, अब रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, तो कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ सैयद तजम्मुल जुड़े हुए हैं। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांच के पंच में अपना समय देने के लिए। तजम्मुल क्या जानकारी आप भी देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि परिसीमन आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देगा, जिसके बाद अगले हफ्ते तक कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नए विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई इसी हफ्ते के अंदर अंदर नए विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी सरकार को मिल जाएगी और सरकार तक रिपोर्ट पहुंचाने का काम परिसीमन आयोग कर देगा? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आप मुख्तलिफ अमूरात की बात करते हैं, तो इंतखाब भी अब बहुत बड़ा मामला बन चुका है। परिसीमन या हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो करीबन करीबन अगले हफ्ते जो है वो पेश करेगी, लेकिन रिपोर्ट में एक बड़ा गैदर, बड़ा नोटिस गैदर जो होगा इजरा किया जाएगा, जिसमें आपके इलेक्ट्रोल वार्ड, आपके जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो नए तरीके से 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तरतीब दिया गया है, उनकी तमाम तक जानकारी जो होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी, आवाम के पास पहुंचेगी। यानी इसका गलत ये मतलब है कि इलेक्ट्रोल वार्ड का सेटल करना और इसको दोबारा हदबंदी करना और इसके कुछ तहसील, कुछ इलाके काट कर जंगली इलाके छोड़ना, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है और इन नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम लोगों को, वोटर्स को समझाने की कोशिश गजट में की जाएगी कि आपकी बाउंड्री जो है, इलेक्ट्रोल बाउंड्री जो आपकी इस एरिया से शुरू होकर इस एरिया तक खत्म हो जाती है। तो गालिबन बड़ी डेवलपमेंट ये हुई इसमें कि पहले हम कहते थे कि परिसीमन जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोल वार्ड को तरतीब देने में और वक्त चाहिए। गालिबन जो इलेक्ट्रोल वार्ड के लिए नोटिस जल्द आ जाएगा, उसमें साफ तौर पर तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। हालांकि इसके फंडिंग की तादाद बहुत ज्यादा है, 90 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जम्मू में 4 से 5 सीटें बढ़ी, कश्मीर में 1 सीट बढ़ी, कश्मीर में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम तब्दील किए गए और इसके अलावा ट्राइबल के लिए आपकी बात पहली बार वोट डालने और अपना मनपसंद उम्मीदवार मुंतखब करना, इसके अलावा SC रिजर्व और कुछ सीटों को रिजर्व किया गया जो बाद में पब्लिक ऑब्जेक्शन आई, कुल मिलाकर 400 ऑब्जेक्शन के साथ परिसीमन का जस्टिस रंजना देसाई का दौरा मुकम्मल होता है, जिसमें जैसे इलेक्शन कमीशन मुल्क के जम्मू कश्मीर के जरिए शर्मा इलेक्शन कमीशन साथ साथ रहे और बहुत कम बातों से जोर दिया गया है, बहुत कम जो ऑब्जेक्शन थे, एतराजात थे, उन्हें सुना गया है। अब जैसा है जिस हाल में है जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम मुकम्मल होने के बाद, अब सीधा जो आने वाले दिनों में बड़ी बात यह है, चुनावी सरगर्मियों के लिए या इलेक्शन कमीशन इसके बाद ऐलान करेगा इलेक्ट्रोल वार्ड बनाने के लिए और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करने, रिजर्व रिजर्व बिल्कुल तजम्मुल। लेकिन आपको क्या लगता है, आप तो काफी सीनियर हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाते रहे, हमने देखा कि जब परिसीमन आयोग पहुंचा था तो बातचीत भी की गई थी और पूरा माहौल किस तरीका था का था हमारे सामने था। हालांकि अगर हम रीजनल पार्टियों का जिक्र करें तो रीजनल पार्टियों की तरफ से कई सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए थे, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और अभी भी कहा जाता है कि जब परिसीमन आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा तो एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्या हो सकता है, क्या रीजनल पार्टियां इस वक्त और भी कह सकती हैं जब परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी? देखिए हर्ष, रीजनल पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई के मजाक है। इलेक्शन में आप एतराज जमा कर सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, लेकिन नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का अपना तरीकेकार है काम करना, भले ही आप उन्हें किसी तंजीम के साथ जोड़कर बदलनामों से आपको उनको
गिनवाते होंगे, लेकिन उनके अपने तरीके हैं, वो अपने दस्तूर से बाहर नहीं आएंगे और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अलग की चीज है। जम्मू कश्मीर में लीडरा ने तमाम ऑब्जेक्शन उतारे, पहले कहा कि 2026 तक पार्लियामेंट सीट के लिए आप कैसे कर सकते हैं डिलिमिटेशन, और डिलिमिट करने के बाद आपने इलाके काटे, आपने अनंतनाग को रजौरी के साथ जोड़ा, इससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका गठबंधन ये मतलब है कि आपको जिस हाल में जिस हालत में भी इस इलेक्शन कमीशन को कंस्टिट्यूएंसी को तैयार करके दिया जाएगा, आपने उन्हीं कंस्टिट्यूएंसी में अपना इलेक्शन फॉर्म भरना है और लड़ना है। लेकिन अब क्योंकि बड़ी बात यह है, अब आप उनको मोड़ नहीं पाए, अपनी बात मनवा नहीं पाए करके, अब आपके पास भी एक मोहरा बचा है कि आप पीएसजी के साथ इलेक्शन में जाए ताकि नफे नुकसान सियासी तौर पर देख सकें। खैर ये अलग मौजू है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करेगी अगले हफ्ते, और उसके बाद जो इलेक्ट्रोल वार्ड बन नए असेंबली सेगमेंट बन, क्या उनको डिलिमिट किस तरह से किया गया, कहां तक किया गया, वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, और उसके बाद तमाम सियासी जीजान से सिक्योरिटी सुरक्षा से भी बातचीत होगी, बाकी मामला भी करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए जिस हद तक अक्टूबर नवंबर तक संजीदा है, ये वो इलेक्ट्रोल वार्ड बनने के बाद आपको तैयार से लगेगा। अगर बाकी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन ने नवंबर अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन की माने तो इंतखाबी माहौल बनाने, तो आपको इलेक्ट्रोल वार्ड को बनाने में जल्दी करना पड़ेगी। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चले तो मुझे नहीं लगता कि साल दूर तलक भी मुझे आसार नजर आते हैं जहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस का इंतजार कर पाएंगे। बिल्कुल तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे साथी आपको बता रहे थे कि क्या आगे हो सकता है, क्योंकि हम आपको हर एक खबर के पहलू से रूबरू करवाते हैं, और जब अगले हफ्ते रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी तो ये कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में एक सर्वदलीय बैठक भी होगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके बाद हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त बता पाएगा। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और जानकारी हम आपको दे रहे हैं।